इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट ऐप प्रेफरेंस क्या होता है और रिसेंट ऐप प्रेफरेंस कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बेसिकली एक ऑप्शन हमारे फ़ोन में सभी के फ़ोन में होता है, ऐप मैनेजर में, ऐप इन्फो में जैसे हम जाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन मिलता है रिसेंट ऐप प्रेफरेंस करके, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है और आपको यूज़ कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप ऊपर सर्च बार में सर्च सेटिंग में रिसेंट जो है ऐप लिखेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो बेसिकली रिसेंट ऐप प्रेफरेंस के ऊपर अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बता रहा है, ठीक है, दिस विल बी रिसेट ऑल प्रेफरेंस फॉर, ठीक है। मतलब ये आपके फ़ोन को पूरी तरह से रिसीट नहीं करना है, रिसेट ऐप प्रेफरेंस का मतलब सीधा सा है या आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स से है वो रिसीट कर देता है, मतलब सेटिंग आपके फ़ोन की जो है मतलब एक तरीके से ऐप जो है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है वो यही काम करता है कि हमारा जो फ़ोन है वो रिसीट नहीं करता, बस सेटिंग रिसीट कर देता है। जैसे हमने हमारे कुछ फ़ोन के ऐप्स डिलीट कर रखे होते हैं, डिसेबल कर रखे हैं, वो वापस आ जाते हैं। कुछ सेटिंग हमने छेड़छाड़ करके बदल रखी होती है तो वो वापस आ जाती है, और कोई परमिशन वगैरह हमने गलती से मतलब ऑटो डिसेबल वगैरह कर रखी हो तो वो परमिशन ऑटोमेटिकली जैसे हमारा नया डिवाइस होता है जिसमें उस तरीके जो नई सेटिंग होती है वो सेटिंग यहाँ से वापस आ जाती है, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे हमारा डिवाइस जब हम नया खरीदते हैं तो उसमें जो सेटिंग होती है उस टाइप की सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे फ़ोन की सेटिंग हमने खराब कर दी है, गलती से कुछ अलग कर दिया है, बस आइए ऐप रिसेट ऐप प्रेफरेंस में और सारे रिसेट ऐप रिसेट कर दीजिए। इससे आपका फ़ोन रिसेट नहीं होगा, बस आपको ये ऑप्शन लगा देना है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।